टीवी उन्मूलन में हमीरपुर जिला ने पूरे भारतवर्ष में प्रथम स्थान पाया है और हमीरपुर जिला ने राष्ट्रीय टीवी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत आने वाले 8 मानकों में से 5 मानकों में 100% उपलब्धि दर्ज करवाई है, जो कि गौरव की बात है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमीरपुर डॉक्टर अर्चना सोनी ने बताया कि जिला में पिछले 6 महीनों में राष्ट्रीय टीवी उन्मूलन कार्यक्रम में पूरे भारतवर्ष में पहला स्थान प्राप्त कर गौरव हासिल किया है। इसके लिए कार्यक्रम से जुड़े समस्त अधिकारी व कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। वहीं हमीरपुर जिला में 100 में से 97.02% प्राप्त किया है और आगामी दिनों में भी ये अभियान जारी रहेगा ताकि टीवी को पूर्णतः समाप्त किया जा सके। बता दें कि राष्ट्रीय टीवी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत आने वाले सभी 8 मानकों में से 5 में हमीरपुर जिला में 100% से अधिक उपलब्धि हासिल की है, तो अन्य 3 मानकों में 82% से लेकर 88% तक उपलब्धि हासिल कर एक आयाम स्थापित किया है। वहीं टीवी नोटिफिकेशन में 102% HIV के साथ मरीजों के इलाज में 100%, UDST टेस्ट में 120% MDR मरीजों का इलाज सुनिश्चित करने में 100%, बच्चों के गृह संपर्क पर TPT इलाज में 100% काम किया है। इसके अलावा जिला की सफलता दर 86%, निक्षेप पोषण योजना में लाभार्थी लाभ के लिए 88%, PLHY के तहत इलाज के लिए 82% योगदान रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अर्चना सोनी ने बताया कि पिछले साल भी हमीरपुर जिला टीबी उन्मूलन में पूरे प्रदेश में पहले स्थान पर रहा था और इस बार पूरे देश में हमीरपुर जिला ने पहला स्थान हासिल किया है। उन्होंने बताया कि 2025 तक पूरे देश को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए विभाग प्रयासरत है। वहीं हमीरपुर जिला में 100 में से 97.02% प्राप्त किया है और आगामी दिनों में भी ये अभियान जारी रहेगा ताकि टीबी को पूर्णतया मुक्त किया जा सके। अर्चना सोनी ने बताया कि इस उपलब्धि के लिए जिला की आशा कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, समस्त अधिकारी व कर्मचारी, स्थानीय प्रशासन का सबसे अधिक सहयोग रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड के साथ साथ टीबी की बीमारी से भी मुक्ति पाने के लिए विभाग पूरी तरह से जुटा हुआ है। जिला के लिए गौरव का इशू है। पिछले साल भी जैसा कि हमारा जिला थ्रू आउट द स्टेट फर्स्ट रहा था और कंट्री में हमारा नंबर 2 पर था, बट इस वक्त मैं बहुत प्रिविलेज्ड फील कर रही हूँ कि हमारा जिला थ्रू आउट इंडिया में नंबर 1 पर स्टैंड किया है। स्टेट में तो हम नंबर 1 पर हैं ही हैं, बट इन द कंट्री वी आर एट नंबर 1। ये हमारे वर्कर्स के लिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर्स, हमारे जो टीबी का स्टाफ है जो ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहा है, ये उनके लिए बहुत ही उनके बधाई के पात्र हैं वो, क्योंकि उन्होंने उनकी दिन रात की मेहनत से जिस ढंग से उन्होंने टीबी के, क्योंकि टीबी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको हमारा लक्ष्य है कि जितनी जल्दी हम इलिमिनेट कर सकें उतना, बाय 2025 तो स्टेट राष्ट्र का है, पर हम तो उससे भी जल्दी करना चाहते हैं हमारा जिला, और उस को मद्देनजर रखते हुए वी आर एट ए बेटर प्लेस। अगर मैं इसमें स्कोरिंग की बात करूँ तो आई एम प्रिविलेज्ड टू से कि हमारे जिला ने 100 में से 97.02 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू है। टीबी में हम फैसिलिटीज भी दे रहे हैं, हम पेशेंट्स को मॉनिटर भी कर रहे हैं, और उसमें जो क्राइटेरिया है जिसके हिसाब से, जैसे टीबी के साथ HIV टेस्ट अनिवार्य है, हम 100% पर चले हैं उसके ऊपर। टीबी के साथ शुगर का टेस्ट अनिवार्य है, तो हम शुगर में भी टीबी विद डायबिटीज़ हम 100% क्राइटेरिया अचीव कर रहे हैं। इस तरह के कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके बेस पर ये इवेल्युएशन की जाती है, एंड मैं अपनी टीम को, अपने जिला के लोगों को इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी और प्रोत्साहित भी करना चाहूँगी अपनी टीम को। और मेरी अपनी टीम से भी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आने वाले समय में हमें और भी मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि जब कोविड ऐसी स्टेज पर आ गया है, कोविड अनकंट्रोलेबल स्टेज में जा रहा है, उस टीबी और कोविड का एक डायरेक्ट लिंक है।
बाई डायरेक्शनल लिंक है बेसिकली, तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारी टीम्स को और भी मेहनत की जरूरत है।